स्वागत है आप सभी का फिर से हमारे YouTube चैनल पर। आज हम फिर से अपना पायलट 2007 V3 में वीडियो बनाने वाले हैं। और आज है हमारे पास LP7 एंड LP1। तो हम चारों को मिक्स कर चुके हैं। ये 7 है, ये 1 है, ये फिर से 7 है, ये फिर से 1 है। तो मैं आज दिखाने वाला हूँ आप लोग कैसे प्रोग्रामिंग एक ही स्विच पर चारों को एक साथ चला सकते हो। रनिंग भी होगा, स्टॉप भी होगा, RGB सिंगल सब कुछ होगा, जैसा तुम लोग बोलोगे वैसा होगा। ठीक है, तो चलो ज़्यादा देरी नहीं करते, जल्दी से शुरू करते हैं वीडियो। जैसा कि तुम लोग यहाँ पे देख सकते हो चारों लाइट चल रहे हैं। पहले मैं तुम लोगों को दिखा देता हूँ कि इसका नंबर क्या है। 50 है, यह है LP7 50, यहाँ पे LP1 60, फिर से यह आ गया अपना LP7 70 एंड ये आ गया अपना 80। ओके, तो चलो अब मैं पायलट में आ जाता हूँ। यहाँ पे तुम लोग देख लो, थोड़ा ब्राइटनेस कम कर देता हूँ मैं। यहाँ पे मैंने कुछ सजा के रखा था ये, तो इसलिए ये था। तो मैं पायलट को रिसेट कर रहा हूँ। और जिन लोगों ने मतलब आज मैं ये फिक्सर फाइल बनाने नहीं वाला, फिक्सर फाइल मैंने दोनों का ही बना रखा है, LP7 का भी LP1 का भी अलग से बना रखा है। तो मैं दोनों का ही लिंक डिस्क्रिप्शन में कमेंट कर मतलब पिन कर दूंगा, देख लेना जाके। ठीक है, तो पहले वो देख लो, फिर फिक्सर फाइल सेव कर लो, उसके बाद ये वाला वीडियो देखो और ये चेक कर लो। ओके, चलो शुरू करते हैं। पायलट को करते हैं ऑफ, सब कुछ ऑफ हो जाएगा ये, और तो ऑफ होने वाला है। तो हम रिसेट कर लेते हैं पायलट को, क्योंकि उससे सब कुछ डिलीट हो जाता है। जैसा कि तुम लोगों को पता है 12.12.9.7 ये हो गया हमारा क्लियर फाइल एवरीथिंग। ओके, मैं थोड़ा ब्राइटनेस को लॉक कर लेता हूँ। ओके चलो, और थोड़ा बनाना पड़ेगा। ठीक है राइट, अब हमें क्या करना पड़ेगा, पहले जाना पड़ेगा मतलब पूरा क्लियर 2003 है। ठीक है, तो पहले तुम लोग पायलट का स्विच ऑन करो, फिर जाओ सेटअप फाइल पे, फिर आ जाएगा फिक्सचर पैच, ओके दबाओ, फिर आ जाएगा फिक्सचर टाइप 1। इसमें हमें 1 पर है LP7, तो हमें यहाँ पे LP7 सेट करना है। तो यहाँ पे मेरा ये एक LP7 है और एक LP7 है जो मैंने वीडियो में सेव किया था, मतलब बनाया था ये LP7002। जिन लोगों ने पहले पहले वीडियो बनाया था मतलब देखा था, उन लोगों ने अगर देखा है तो उन लोगों को पता होगा कि मैं LPC0072 ये मैंने सेव किया था वीडियो पे। तो मैं इसी पे दिखाने वाला हूँ। ठीक है, और पहले वाले पे हमने 50 नंबर रखा है, तो हम 50 पे चले जाते हैं। ये आ गया हमारा 47 50 आ गया। फिर सेकेंड पे हमारा LP7 LPC0012 ये वाला भी मैंने वीडियो पर ही बनाया था, इसलिए ये 2 लिखा हुआ है। ठीक है, तो जिन लोगों ने LPC001 का वीडियो देखा है उन लोगों को पता होगा। तो चलो इसका रखने वाले 60, क्योंकि पहले वाला 50 था, तो ये 60 से स्टार्ट होगा। फिर थर्ड पे फिर से हम रखेंगे 7 को, और इसका होगा 70। और फोर्थ पे रखेंगे फिर से हम 1 को, और इसका नंबर होगा 80। जैसा कि देख सकते हो फोर्थ पे 80 एंड LPC001। ओके, अब हो गया सेटअप। सेटअप फाइल ऑफ कर दो, या पर फिक्सचर फाइल पे आ जाओ। ये 1 2 3 4 एक साथ दबाओगे तो काम नहीं करेगा, क्योंकि यहाँ पे बताया गया ये कि डिफरेंट फिक्स नो इफेक्ट कंट्रोल्स। यहाँ पे हमें एक एक करके मतलब बारी बारी से एक और तीन जो है 50 एंड 70, इसको हमें सिलेक्ट करना पड़ेगा। यहाँ पे 50 एंड 70 एक और तीन को, फिर हम यहाँ पे काम कर सकते हैं। ये आ गया हमारा डिमांड, ये आ गया हमारा रेट, बट लाइट नहीं चला क्योंकि हमारा जो मास्टर फेदर है वो नीचे ही है। तो इसको उठाएंगे और ये देख लो, ठीक है, एक और तीन ही जला है, 2 और 4 नहीं जला। ओके चलो, मास्टर को डाउन करते हैं एंड थोड़ा ब्राइटनेस बढ़ा लेते हैं ताकि तुम लोग देख पाओ। ओके, और आ गया हमारा ये एक और तीन काम कर रहा है, मतलब इसका मतलब जो तुम लोगों ने देखा। तो ये नीचे कर दो, फिर 2 और 4 को चेक कर लेते हैं कि चल रहा है कि नहीं। तो 2 और 4 का भी तो अलग होता है, ये पहले आता है डिमार, उसके बाद आता है स्टॉप, ऑटो स्पीड, फिर आता है रेड एंड ग्रीन। तो ये हमने रेड उठाया और ये उठाया जब मास्टर फेदर, तो ये दोनों भी चलने लगे। अब उसका जो अलग मतलब वो क्यों नहीं चल रहा मैं बता देता हूँ, उसका जो डेड लैंप्स है वो कट चुका है, मतलब कटा हुआ है, इसलिए नहीं जल रहा। मैं ग्रीन जला के तुम लोगों को दिखा देता हूँ, ये ग्रीन चल रहा है। ठीक है, उसका मैंने पहले नहीं देखा, तो वो डेड वाला कट चुका है, उसको चेंज कराना पड़ेगा। ठीक है, तो कोई बात नहीं, मैं तुम लोगों को ऐसे ही दिखा दूंगा, बस उसमें डेड नहीं चलेगा क्योंकि वो कट चुका है वो डेड वाला। तो चलो यहाँ पे हम प्रोग्रामिंग सेव कर लेते हैं। हमारा चारों मतलब पार्ट चल रहा है अच्छे से, सब काम वाम सब कुछ हो रहा है। तो हम पहले प्रोग्रामिंग में जाके एक को सिलेक्ट करके एडिट में जाएंगे,
एडिट में जाने के बाद ओके दबाएंगे, फिर आएगा सिलेक्ट फिक्सचर इफेक्ट, फिर आएगा एडिट सीन, फिर आएगा एडिट सीन्स टाइम। तो हम जाएंगे एडिट सीन पर, ओके दबाना, फिर यहाँ पे फिर से हमें 1 और 3 को सिलेक्ट करना पड़ेगा क्योंकि पहले एक एक करके करना पड़ेगा। तो देखो यहाँ पे एक घाट मतलब सभी लोग भूल करते, 1-3 को दबा के पहले यहाँ पर तुम्हें डिमर एंड रेट को उठा के रखना पड़ेगा। नीचे करने का कोई ज़रूरत नहीं है, इसको नीचे कर दो, ठीक है, लाइट बंद हो गया। फिर 2 और 4 को सिलेक्ट करके डिमर एंड रेट को उठाओ, फिर ये देखो ये तीनों जलने लग गए क्योंकि अब वो वाला तो कटा हुआ है इसलिए वो रेड वाला नहीं जल रहा, ठीक है। और यहाँ पे मैं ग्रीन उठा के दिखा देता हूँ तुमको, ये देखो वो 2, 1 और 3 जल रहा है रेड एंड 2 और 4 जल रहा है ग्रीन, ठीक है। तो हम ऐसे सिलेक्ट सेव करेंगे, तो उसको हम फिर से रेड उठा लेते हैं। तो ये 2 और 4 में रेड उठा हुआ है एंड फिर से हम अगर 1 और 3 में जाते हैं तो इसमें भी ये देखो डिमर एंड रेड उठा हुआ है, ठीक है। ये हुआ बात, अब स्टोर दबा के 1 जैसे सेव होता है वैसा सेव हो चुका है। फिर सब कुछ 0 कर दो, जितना जो भी था 2 और 4 में जाके फिर से रेड एंड डिमर को भी 0 कर दो। एक एक मतलब तुम लाइन से भी कर सकते हो, मैं तुम लोगों को मतलब समझाने के लिए कर रहा हूँ, ठीक है। फिर 1 और 3 सिलेक्ट करो फिर से, डिमर में जाओ, ग्रीन उठाओ, ये देखो ग्रीन चल रहा है, ठीक है। तो मैं ये नीचे रख रहा हूँ, पूरा कर लेता हूँ, उसके बाद तुम लोगों को दिखाता हूँ कि चल रहा है कि नहीं, ठीक है। 1 और 3 हो गया, ग्रीन उठा के रखा है। फिर 2 और 4 को सिलेक्ट करो, डिमर उठाओ, ग्रीन उठाओ। फिर स्टोर 2 हो गया, स्टोर 2, ये स्टोर दबा के 2 दबाओ तो स्टोर हो जाता है, तुम लोगों को तो पता ही है। फिर 1 और 3 को सिलेक्ट करो, फिर ग्रीन को नीचे करो, ब्लू को उठाओ, ये ब्लू चल रहा है। और 2 और 4 को सिलेक्ट करो, फिर ग्रीन को नीचे करो और ये ब्लू को उठाओ, ये देखो ब्लू चल रहा है चारों में, ठीक है। ऊपर करूँगा तो बहुत ब्राइटनेस हो जा रहा है इसलिए मैं नहीं कर रहा। फिर स्टोर एंड ये देखो स्टोर एंड 3 स्टोर हो गया। अब सब हो चुका है, जब एडिट इंटर, थोड़ा ब्राइटनेस बढ़ाना पड़ेगा वरना कुछ दिखाई नहीं दे रहा है, उसके वजह से कुछ दिखाई नहीं दे रहा है, मतलब वहाँ पे बहुत ब्राइटनेस आ रहा है और यहाँ पे ऑटो मतलब ब्राइटनेस चल रहा है, ठीक है। तो चलो ये हमारा पहला वाला प्रोग्रामिंग सेव हो चुका है। अब हम चाहे तो एक बार ऑफ कर ले, ऑन कर ले, कोई बात नहीं, बट मैं तुम लोगों को दिखाता हूँ प्रोग्राम में जाके 1 दबा के यहाँ पे हम अगर ये उठाएंगे मास्टर फिदर हमारा, तो ये हमारा आ गया रेड ग्रीन एंड ब्लू। अब हम चाहे तो इसको जैसे मोड में जाके अलग अलग कर सकते, स्पीड कर सकते इसको, तो ये देखो स्पीड आ गया हमारा, बस इसमें रेड नहीं जलने वाला क्योंकि ये रेड कट चुका है इसका और बाकी तो सब चल रहा है, ठीक है। ये हुई बात, अब इसको हम 0 करते हैं, ब्राइटनेस थोड़ा बढ़ा लेते हैं और ये मोड को ऑफ करते हैं। चलो एक आ गया हमारा RGB, अब आने वाला है हमारा जो शैडो जाता है, वो शैडो हम दिखाने वाले हैं आप। ओके तो गाइज अब मैं तुम लोगों को दिखाने वाला हूँ कि इस 4 पार में एक साथ हम स्टोप रनिंग कैसे कर सकते हैं। ये ग्रीन जाएगा ऐसे, फिर जाएगा ब्लू ऐसे, फिर जाएगा रेड ऐसे करके, फिर वापस आएगा ये कैसे, तो मैं वो दिखाने वाला हूँ जिसको रनिंग या फिर शैडो कहते हैं वो, ठीक है। तो जैसा था वैसे ही नंबरिंग सब कुछ है। फिर मैं यहाँ पे 2 नंबर को सिलेक्ट करना पड़ेगा पहले कुछ करने के लिए, तो यहाँ पे हम पहले 2 नंबर को सिलेक्ट कर लेते हैं। ये आ गया हमारा 2 नंबर, फिर एडिट में जाके ओके दबाओ, एडिट सीन आ जाएगा यहाँ पर, थोड़ा ब्राइटनेस कम कर लो, ओके एडिट सीन में भी ओके दबाओ, फिर आ जाएगा या फिर 1, 2, 3, 4। तो पहले मैं बता देता हूँ तुम लोगों को, मेरा इस पायलट में थोड़ा दिक्कत है क्योंकि अगर मैं एक एक करके करूँ तो वो नहीं चलेगा, रनिंग नहीं होता है मेरे पायलट पर। अगर मुझे मतलब रनिंग करना है तो मुझे सब जितना भी पार में लगाओ उन सभी को एक बार सिलेक्ट करके पहले एक लाइट में जलाना पड़ेगा, उसके बाद एक एक करके मैं जला सकता हूँ। तो ये दिक्कत मेरे पायलट में, तुम लोगों के पायलट में यह हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। तो मैं बताता हूँ पहले वाला जो नंबरिंग में मतलब पहला वाला जो सेव कर सक करने जा रहा हूँ मैं, तो तुम लोग वो वाला सेव मत करना, मतलब स्टोर 1 दबा के जो मैं सेव करता हूँ पहले वाले में वो तुम मत करना, दूसरे वाले से स्टार्ट करना एक एक करके, ठीक है। तो मैं पहले 1, 2, 3 और 4 को सिलेक्ट करके एक साथ नहीं होगा भूल गया था डिमर एंड रेड इसको नीचे करते हैं एंड 2 और 4 में जाके डिमर एंड रेड को उठा के पहले मैं स्टोर 1 कर लेता हूँ क्योंकि यार मेरे पायलट में थोड़ा दिक्कत है इसलिए ये होता है। अब मैं तुम लोगों को दिखाता हूँ,
एक एक करके, ठीक है। अब मैंने जो पहले वाला काम किया वो तुम लोग मत करना, वरना थोड़ा कैसा सा लगेगा ये उसमें। पहले वाले को सिलेक्ट करके डीएमआर एंड ग्रीन उठाओ, फिर स्टोर टू करो, फिर सब नीचे करो, फिर दूसरे वाले को सिलेक्ट करो, फिर डीएमआर एंड ग्रीन उठाओ, फिर स्टोर थ्री करो, फिर सबको नीचे करो, फिर थ्री को सिलेक्ट करो, डीमर ग्रीन उठाओ, स्टोर फोर नीचे, चौथे वाले के सिलेक्ट करके डीमर ग्रीन, स्टोर फाइव नीचे, एडिट एंटर, हो गया प्रोग्रामिंग से। उठाओ केदार, ये आ गया हमारा, सॉरी ब्राइटनेस घटाता हूँ, क्या आया, रनिंग चल रहा है ये। तो अब देखो मैं स्पीड उठा रहा हूँ, यहाँ पर जैसे देख सकते हो, मैंने चौथे वाले को देखा तुम लोगों ने क्या क्या हुआ वो, ये जो रनिंग चल रहा है ना, इसको जलाने के लिए मुझे ये चारों को एक साथ, ये एक बार के लिए रेड या फिर एक बार के लिए ब्लू या फिर एक बार के लिए ग्रीन जलाना पड़ेगा, सेव करना पड़ेगा। उसके बाद मेरे पायलट पे ये सिंगल सिंगल जाता है, वरना नहीं जाता है, या कुछ प्रॉब्लम है या फिर उसमें कुछ बग वगैरह हुए तो है इसमें, मुझे पता नहीं वो। तो ऐसे करता हूँ मैं, तो तुम लोग ये जो चार एक साथ मैंने पहले वाले में स्टोर किया तो ये तुम लोग नहीं करना, एक एक करके बस लाइन से ये ग्रीन जो जा रहा है ऐसे सिलेक्ट करना, तो बस काम बन जाएगा तुम्हारा। अब तुम लोग चाहो तो ये ग्रीन ऐसे भी ला सकते हो, कैसे तुम लोग, मैं दिखा देता हूँ तुम लोगों को। यहाँ पे जो रन का बटन देख रहे हो तुम लोग, बैकवर्ड में चल रहा है ये नॉर्मल है, तो नॉर्मल में जाता है, मतलब जिस तरफ मैंने किया इस तरफ से, और अगर तुम लोग ये बैकवर्ड कर दोगे तो इस तरफ से इस तरफ जाएगा, जैसे कि तुम लोग यहाँ पे देख सकते हो, ठीक है। तो ये आ गया हमारा शेडो, तो मैं थोड़ा सा इसमें छेड़छाड़ करके इसको ठीक कर सकता हूँ, मतलब जो रेड वाला आ रहा है उसको मैं थोड़ा जल्दी से हटा सकता हूँ। इसके लिए मुझे ये करना पड़ेगा एडिट एंटर, फिर अब दो नंबर को देख लो, ये देखो अब रेड मतलब अचानक से चला जाएगा, मतलब तुम लोग समझ भी नहीं पाओगे कि कितना जल्दी रेड जा रहा है, ठीक है। तो इसको मैं चाहूँ तो और स्पीड बढ़ा सकता हूँ, वो तो तुम लोगों को पता ही होगा कि एडिट में जाके कैसे हम स्पीड को और भी बढ़ा सकते हैं। यहाँ पे तो बस 400 तक ही रहता है, और ये आ गया हमारा गिन इस तरफ, फिर जाएगा इस तरफ, फिर आएगा इस तरफ, जैसे तुम लोग चाहो वैसा कर सकते हो। अब ये जितना रनिंग करोगे उतना अच्छा लगेगा दिखने में। तो चलो ये आ गया हमारा रनिंग, इसको ऑफ करते फिर हम तीन नंबर पे जाके हम पहले अपना स्टॉप करते और जल्दी से वीडियो का करते हैं एंड, क्योंकि हमारा छोटा सा वीडियो बहुत बड़ा हो रहा है। तो चलो तीन नंबर पे जाके एडिट में जाओ, एडिट में जाके ओके सीन्स, एडिट सीन में जाओ, फिर एक और तीन को सिलेक्ट करो। जैसे जैसे तुम लोगों को LP, अगर तुम लोगों ने पकड़ो कि LP7 दोनों एक साथ लाइन बाय लाइन सिलेक्ट करके रखा है, सेव करके रखा है, तो तुम एक और दो और LP1 इस तरह पे, तो तीन और चार। तो मैंने ऐसे ऐसे किया, एक LP7, एक LP1, एक LP7, एक LP1, तो मैं एक और तीन इसलिए सिलेक्ट कर रहा हूँ, ओके। तो यहाँ पे मैंने एक और तीन सिलेक्ट कर लिया, फिर आ जाओ डिमर पे, फिर आ जाओ रेड ग्रीन एंड ब्लू सब कुछ उठा दो, और इसको नीचे करता हूँ वरना कुछ नहीं दिखेगा तुम लोगों को। फिर आ जाओ टू एंड फोर पे, फिर आ जाओ ये डिमर रेड ग्रीन ब्लू वाइट सब कुछ उठा डाला, फिर आ जाओ यहाँ पर ये जो स्टोव है इसको हमें सिलेक्ट करना पड़ेगा 52। तो हम ऐसे करके सिलेक्ट करेंगे ये वाला बटन, 255 कर दो इसको, पूरा उठा दो, ठीक है। पूरा उठाने के बाद थोड़ा ब्राइटनेस कम करता हूँ, पूरा उठा दो ये स्टॉप वाला को, पूरा उठा दो, फिर ये वाला बटन जो है स्टॉप का इसको सिलेक्ट करो। इसके बाद ये जो पैन टिल्ट का जो हमारा साथी वाला स्विच है, इससे हम इसको नीचे कर सकते हैं, ये दबाओ, ये आ गया 252, ओके। फिर यहाँ पे आ जाओ 1 और 3 को सिलेक्ट करो, उसके बाद इसको अभी स्टॉप कहा गया, यहाँ पे आ गया हमारा स्टॉप, ये जो स्टॉप है इसका बटन भी सिलेक्ट करो, स्टॉप पूरा कर दो 255, फिर आ जाओ ये पैंडल का बटन नीचे वाला को दबाओ, फिर 252 कर दो, इससे आसानी होता है, मतलब जल्दी होता है। अब यहाँ पे मैं तुम लोग एक बार दिखा देता हूँ, ये देखो ब्लिंक हो रहा है, अब मैं स्टोर 1 एडिट एंटर, हो गया इसका काम तमाम, मतलब सेव हो चुका है, ओके। तो चलो अब तुम लोगों ने दिखा था, वो थोड़ा सा उठाता होगा बस, वरना ज़्यादा उठाऊंगा तो नहीं दिखेगा तुम लोगों को, ओके। दिख रहा है अच्छे से, ये लो देख लो, ठीक है, अच्छे से ब्लिंक हो रहा है। और ये हो गया हमारा रेड ग्रीन एंड ब्लू, ये हो गया हमारा जो जाता है वो कहते हैं शेडो, और ये हो गया हमारा तीन नंबर पे ब्लिंक, ठीक है। तो चलो पायलट को करते हैं ऑफ, क्योंकि हमारा वीडियो हो चुका है। तो बाय गाइस, इस बार वीडियो में इतना ही रखते हैं, जल्दी मिलेंगे फिर से, आप ज़्यादा देर होने नहीं वाला थर्ड वीडियो पर, क्योंकि मैं थोड़ा घूमने गया था इसलिए वीडियो पर लेट हो गया था इस वाले वीडियो पर। तो चलो मिलते हैं इस वाले वीडियो में, तो वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना जिन लोगों को, मतलब जिन लोग नए हो। और एक चीज़ गाइस,
अगर मैंने वीडियो में फिर से आप लोगों को तुम करके कह दिया तो मुझे माफ़ कर देना, क्योंकि मतलब हो जाता है बार बार, तो मैं हर वीडियो पे लास्ट में ऐसे करके बोल देता हूँ, तो तुम लोग थोड़ा मतलब माफ़ कर देना, ठीक है। तो चलो मिलते हैं नेक्स्ट वाले वीडियो में, आज के लिए बस इतना ही, बाय गाइस।